हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स. कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे. व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग. हम करेंगे ये पोर्टल रीडिंग है 6-6, जो पोर्टल ओपन होने जा रहा है उसको लेके, और इसका इम्पैक्ट देखेंगे आपकी रिलेशनशिप पे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे क्या कुछ होगा. इस पोर्टल के थ्रू आपकी लाइफ में क्या इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में है, ठीक है. तो हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं. जनक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ. ऑल साइन में ये रीडिंग होने जा रही है, तो आपको अपने ये जो एटलीस्ट राशि है वो पता होनी चाहिए, ठीक है. इसके बाद ही आप इस रीडिंग को देखिएगा. अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं. अदरवाइज़ व्यूअर्स, आपके जो नेम है, अगर आपको मून राशि नहीं पता, आपकी कुंडली की राशि नहीं पता, तो अपनी नेम राशि जो है उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हैं. तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो, इससे आपको हेल्प मिले, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा व्यूवर्स. तो व्यूवर्स, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. सबसे पहले राशि हमारी रहेगी मेष राशि. देखते हैं मेष राशि वालों के लिए, आपके लिए ये 6-6 पोर्टल कैसा रहने वाला है, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी लव लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो. प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेष राशि के लिए. ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी. प्रोफेशनल लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए ये हो सकता है कि भाई आपकी बहुत सारी चिंताएं जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है. यस, आपकी लाइफ में आपको मे बी करियर को लेके बहुत सारी चिंता है कि मेरा करियर में प्रॉब्लम आ रही है, या करियर ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर उससे मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे हो किसी लॉस से, किसी पेनफुल टाइम से. तो बस ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो एक 6-6 पोर्टल रहेगा आपके लिए, ये एक एंडिंग का काम करेगा, ठीक है. एक एंडिंग का काम करेगा और अपनी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नई सुबह का काम करेगा. तो यस, आपकी लाइफ में अगर आप कुछ भी ऐसा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है, स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइफ, तो आप उसको रिड ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेमेडी भी कर सकते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं 6-6 के थ्रू, ताकि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेलकम हो और आप उनसे आगे जुड़ सकें, ठीक है. यस, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर रफ एंड टफ टाइम चल भी रहा है तो यूनिवर्स पर फेथ रखें. यूनिवर्स ही होगा जो आपकी लाइफ में एक नई सुबह लेके आएगा. तो आप एक बहुत ही एक अच्छे टाइम में स्टेप इन करने वाले हैं ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर अच्छे टाइम से कनेक्ट होने वाले हैं. कोई होप आपको मिलेगी एक 6-6 पोर्टल के थ्रू, जिससे आप फिर से उठोगे, अपने ऊपर बिलीव करोगे और आगे बढ़ोगे. तो वो एनर्जीज गाइज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, स्पेशली इन योर करियर लाइफ. आपकी अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की या फिर आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है भाई कोई विश आपकी पूरी हो सकती है. कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे दिल की कोई बात है जो अधूरी है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी. तो ये एनर्जीज क्या बता रही है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होना बताती है, लाइफ में एक बैलेंस आना बताती है. तो यस, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पोर्टल है आपके लिए 6-6 बेसिकली आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा है. चीज़ें बैलेंस कर, बैलेंस का मतलब ये है कि ना दुख है ना सुख है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुख है और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुख है. आप एक न्यूट्रल फील कर रहे हो, आपको ना ऐसा नहीं फील हो रहा है यार मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में जा रहा हूँ बेसिकली मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से, या फिर मेरे रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है. तो वो चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं. तो आप लोग बेसिकली हो क्या रहे हो मेष राशि वालों, मैं आपको ये बता दूँ, आप लोग यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो इस पोर्टल के थ्रू. चाहे आपका लव रिलेशन है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे और ये स्पिरिचुअलिज्म ही होगा व्यूअर जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, चीज़ों को बेहतर बनाने में, बेहतर चीज़ों को देखने में, बेहतर पॉजिटिव थॉट को अट्रैक्ट करने में काफ़ी मदद कर सकता है, ठीक है. तो ये ऐसी एनर्जीज गाइस यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोग के लिए. यहाँ पर एडवाइस में देख लेते हैं और क्या आ रहा है, या फिर आपको यूनिवर्स एंजल्स क्या बताना चाहते हैं. फाइंड बैलेंस, तो बैलेंस ही व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको दे पॉजिटिव थॉट को भी देखना होगा, पॉजिटिविटी को भी देखना होगा, क्योंकि हर चीज़ में कोई हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती प्योरली, हर चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी भी होती है, ठीक है. तो आपको स्पेशली उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है. आपकी लाइफ में बेसिकली आप नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो आपकी तरफ पॉजिटिविटी आएगी ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आए. तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है. कमिंग टुगेदर की एनर्जी भी यहाँ पर बॉटम द डेक्स
से है जो बताती है कि चीज़ें आपकी लाइफ में आपको अकेले नहीं रहने देंगी। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प ही मिल जाएगी, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, किसी फ्रेंड की तरफ से हो, किसी अननोन पर्सन की तरफ से हो, या कोई आपका स्पेशल वन हो उसकी तरफ से हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आपको हेल्प मिलेगी। आप एक टीम में काम कर रहे हो, टीम में काम करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, सो वी हैव वेट। तो कोई भी एक्शन वीवर्स यहाँ पर लेने से पहले आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। और बिना सोचे समझे कोई भी काम आपको नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट हो। बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी करें सोच समझ के करें, किसी की मदद ले लें, किसी से कहा अपने थॉट को एक्सचेंज कर लें, एडवाइस ले लें, फिर किसी काम को इनिशिएट करें, अदरवाइज़ आपको थोड़ी फिर उसमें दिक्कत देखनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये थी राशि मेष के लिए प्रिडिक्शन, आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टॉरस राशि, जिनकी वृष राशि है। चलिए देखते हैं आपके लिए ये जो 6-6 पोर्टल है आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है, इन प्रोफेशनल लाइफ और इन पर्सनल लाइफ। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें टॉरस राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, सो प्रोफेशनल लाइफ में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई भी करेंगे। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है आप बेसिकली कुछ नया एड ऑन करने वाले हैं अपने काम के अंदर। ठीक है, और इसमें ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप एक जोन से, पर्टिकुलर जोन से बाहर निकल रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि यार मुझे इतने में ही नहीं रहना, मुझे अपना करियर एक्सपेंड करना है या फिर मुझे कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, आप कुछ भी इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ अपने अंदर मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में एक्सपेंड हो रही हैं, ठीक है, जो बेसिकली अब तक नहीं हुई हैं। तो आप कुछ नया भी अपनी लाइफ में अपने करियर के साथ में जैसा नज़र आ रहा है, कुछ पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और आपने एक पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ ली है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको अपने आप को बढ़ाना है, आपको अपने आप को ग्रो करना है। तो ऐसी एनर्जीज में व्यूअर्स आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, काफ़ी एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, यानी काम करने के लिए आपके पास में एनर्जी भी है, आप लेजीनेस में नहीं आ रहे हो। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है लेजीनेस को आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहे हो और अपने आपको स्ट्रांग बना रहे हो, और ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। धन योग भी आप लोग के लिए मुझे नज़र आ रहा था, यानी कहीं ना कहीं कुछ आप वेलकम कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ मनी और फाइनेंशियल गेन, कुछ ऐसा भी कुछ लोग के लिए फील हो रहा है। तो आप लोग के लिए कुछ गेनिंग एनर्जी भी यहाँ पे मिल रही है। पर्सनल लाइफ में व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप थोड़ा सा इमोशनली ट्रिगर फील कर सकते हो, या फिर आपके मन में आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा लग सकता है कि आपकी लोगों के साथ में ना बने। ठीक है, विचारों में मतभेद वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप में ऐसा फील कर रहे हो जस्ट लाइक अ स्टक एनर्जी, कि आप स्टक हो गए हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपके मन में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, मे बी नेगेटिव थॉट ज़्यादा चल रहे हैं आप लोगों के मन में, ऐसा हो सकता है। तो आपको जस्ट और जस्ट एक अनदर साइड को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करना, क्योंकि आप एक सिर्फ वन साइड देख रहे हो, आपको सिर्फ चीज़ें एक तरफा नज़र आ रही हैं जो आपके अंदर हैं। ठीक है, आप जैसा महसूस कर रहे हो सकता है कि भाई सामने वाला ऐसा कुछ नहीं चाहता हो, नहीं कुछ करना चाहता हो, या फिर उसके मन में इस तरह के थॉट ना हो, तो आपको चीज़ें दूसरी तरह से भी देखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि बेसिकली आपको आईज़ ओपन करने के लिए बोला जा रहा है कि आईज़ ओपन करो, अपनी चीज़ें जैसी नज़र आ रही हैं वैसी नज़र वैसी हकीकत में नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों को रियलिटी को फेस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पानी से थोड़ा भाई अपने आप को सही से उसके साथ में तालमेल बिठाओ, अगर पानी के साथ में कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एनर्जी आ रही है। तो यस, कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं कि आपके लिए आई ओपनिंग की एनर्जी रहेगी। ठीक है, और कुछ बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी आपको बोला जा रहा है, कुछ लोगों के साथ में तालमेल बिठाने के लिए आपको बोला जा रहा है। मे बी आपको हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से डील करना पड़े जो आपको पसंद नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन आपको उनके साथ में डील करना पड़ सकता है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। और क्या है आपके लिए यहाँ पे? टेम्पटेशन। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है भाई टेम्पटेशन से बाहर निकलो, क्योंकि समटाइम टेम्पटेशन जो होता है ना वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और समटाइम अच्छा भी हो सकता है। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि भाई चीज़ों को समझो,
चीज़ें आपको किस तरफ लोग ले जा रहे हैं या फिर आप किस तरफ जा रहे हो, ठीक है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पर आप लोग के लिए बोली जा रही है। कुछ अगर आपकी अनहेल्दी हैबिट्स है तो उनसे आपको ओवरकम करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि अपना लेजीनेस अपना छोड़ दो। अगर आप लेजीनेस में बहुत ज़्यादा हो तो लेजीनेस छोड़ो, एक्टिव बनो, काम करो, अपने फोकस करो और दूसरे नज़रिए से भी देखो। मतलब ऐसे ही बोला जा रहा है, आपको दूसरा नज़रिया भी डेवलप करो। जब तक आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखोगे, आप बिलीव नहीं करोगे इवन दो खुद पर, तो कैसे बात बनेगी। तो ये भी बोला जा रहा है कि येस, आई ओपनिंग होगी आपकी, बेसिकली यहाँ पर यही है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो आपकी लाइफ में विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ फ्रॉम जब ये पोर्टल आपकी लाइफ में होगा, आप रिकवरी करोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, यानी कि लॉस से आप ओवरकम करोगे, ठीक है। किसी तरह के कोई ये मेंटल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर अपनी लाइफ में इनसे ओवरकम करोगे। अगर कोई बैड हैबिट भी है आपकी तो उससे भी आप ओवरकम कर जाओगे, अगर आप अभी से काम करना स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आप लोगों की रीडिंग, आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अगर रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो, वेलकम बैक पाए, जिनकी भी राशि व्यूअर्स मिथुन राशि है, ठीक है, और नंबर 3 पे हम रीडिंग कर रहे हैं ये। चलिए देखें मिथुन राशि आपके लिए क्या आ रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये पोर्टल क्या लेके आ रहा है और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या पोर्टल ये लेके आ रहा है। सो एंजल को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा, अगर कोई एडवाइस आती है तो उसको ज़रूर फॉलोअप करिएगा, ठीक है। तो मिथुन राशि देखते हैं आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो मिथुन राशि की बात करें, कार्ड भी मिथुन राशि का ही आता है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो भाई आपके लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। 6-6 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत सारे मिराकल करने वाला है, यहाँ पे ये बोल सकते हैं। मैं इस कार्ड को एक बार क्लेरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि ये जंप कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों की लाइफ में बेसिकली क्या हो रहा है, काम, अगर काम की मैं बात करूँ, ठीक है, आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, काम की बात करूँ, दोनों ही जगह मुझे आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। किसी के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ में आपका अटैचमेंट हो सकता है, किसी के साथ में आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, ठीक है। कोई आपको अपना लव जाहिर कर सकता है, आप किसी को अपना लव जाहिर कर सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं 6-6 पोर्टल के थ्रू। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पे मुझे वेलकमिंग नज़र आ रही है आपके करियर के अंदर। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। अटके हुए काम आपके बन जाएंगे, बहुत समय से कोई काम बन नहीं पा रहा है तो वो बन जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ग्रोथ होगी, रैपिड एक्शन होंगे, चीज़ें एकदम फास्ट हो जाएंगी, मूविंग फास्ट हो जाओगे। तो फास्ट एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए है, यानी कि उम्मीद से ज़्यादा तेज़ चलोगे आप अपनी लाइफ में 6-6 पोर्टल के थ्रू। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो यस, रैपिड एक्शन है आप लोगों के लिए और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो आपकी आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नहीं आई है अभी तक, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आपके लाइफ में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये होगा, कोई बहुत समय से कोई लेटर है जो रुका हुआ है, लेटर आएगा आपके पास में, किसी चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो लेटर आएगा और उससे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि कोई काम से रिलेटेड कोई लेटर है, कोई चीज़ रुकी हुई है बहुत समय से, काम हो चुका है पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसा नज़र आ रहा है वो हो जाएगा। और क्या है आपके लिए मिथुन राशि, हिडन डेप्थ की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो यस व्यूअर्स, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। सामने आने का मतलब है मतलब बाहर निकल के आना, ठीक है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है व्यूअर्स, जो आपकी लाइफ में आप अगर किसी स्टकनेस में हो तो उससे भी आप बाहर निकल आओगे, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो कुछ सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। यस, आपके लिए एंजल हेल्प है,
इस 6-6 पोर्टल के थ्रू इम्प्रूविंग हेल्थ है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है आपकी लाइफ में. सो वेलकम करें इस एनर्जी को. ठीक है, ये आप लोगों के लिए एनर्जीज नज़र आ रही है. तो ये थी रीडिंग आपके लिए मिथुन राशि. छोटी सी है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड आप लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है. लाइफ बेहतर हो रही है, तो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो इस 6-6 पोर्टल के थ्रू, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है पूरा हो जाए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है. तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए. अगर हेल्पफुल रही हो तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर. हेलो, वेलकम बैक कर्क राशि. तो जिनके व्यूअर्स कर्क राशि, चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये 6-6 पोर्टल क्या लेके आ रहा है. ठीक है, सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं. क्या एडवाइस है आपके लिए वो ज़रूर फॉलो करिएगा, जो भी यहाँ पर एडवाइस है. सो आपकी प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं कैसी रहेगी, 6-6 पोर्टल से क्या इम्पैक्ट होंगे. सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, 6-6 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है. सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस. ओके, प्रोफेशनल लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है, या तो आपके साथ में कोई ऐसा कर सकता है या फिर आप किसी के साथ में ऐसा कर सकते हो. अब ये क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, और या फिर कुछ डिसीविंग एनर्जी है, ये एक तरह से ऐसा नज़र आ रहा है. यहाँ पे कुछ चलाकियाँ हैं, कोई हो सकता है आपकी पीठ पीछे कोई आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, चलाकी कर रहा है. तो स्टे अलर्ट, मैं यहाँ पे बेसिकली बोलूँगी किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज में आया है. तो आपको देखना होगा आपके सर्क्यूमटेंसेस कैसे बन रहे हैं. किसी के ऊपर सब कुछ मत डाल देना, जैसे कि अपना पासवर्ड आपने किसी को बता दिया है, तो भाई थोड़ा अपना पासवर्ड प्रोटेक्ट रखो, चाहे वो मोबाइल का है, चाहे वो लाइफ का है, चाहे वो अपनी करियर का है. लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बेसिकली बात करी जा रही है वो अपने डेटा को सिक्योर करने की बात की जा रही है, ताकि अपना डेटा अपना सिक्योर करके चलो बेसिकली इन प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, तो हर चीज़ को रिवील मत करो, थोड़ा रिवीलिंग से बचो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है. तो ऐसा हो सकता है, या फिर आप ही किसी के साथ में ऐसा कर सकते हो कि भाई आपने किसी का डेटा लिया, किसी के साथ में जुड़े आप और उससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि कॉपिंग एनर्जी है. तो ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, तो आप लोगों को देखना होगा ये. ठीक है, पर्सनल लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे टावर आ रहा है, तो पर्सनल लाइफ यहाँ पे ये बताती है भाई, टावर आना एक तरह से ये दिखाता है चीज़ों को क्लियर करना. ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपकी लाइफ से जाएगा, आप किसी का चेहरा सामने आएगा, राइट. लेकिन उससे हर्ट तो आपको भी होगा, ऐसा नज़र आ रहा है. आप किसी से रिवेंज लेने वाली स्थिति में भी आ सकते हो, कि आप किसी को, आपको हर्ट हो और आप उससे रिवेंज ले रहे हो. रिवेंज लेने के चक्कर में मत फंसना. अगर आपके मन में ये भावना है कि मैं उससे रिवेंज लूँगा, उसने मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया, तो इमोशनली इन चीज़ों में मत फंसना. बेसिकली होगा क्या, इससे आप भी परेशान हो जाओगे, कोई और भी परेशान तो होगा ही होगा, लेकिन आप भी हो जाओगे. तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर हैं कुछ लोगों के लिए. दूसरा व्यूअर्स यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल लाइफ. पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ तो अलग ही चल रही है आपकी, लेकिन पर्सनल लाइफ ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के साथ में रिश्ते आपके ख़राब हो सकते हैं. ठीक है, तो मे बी वो हो सकता है आपके साथ में कुछ गलत कर रहा हो और आपको समझ में आए, आपको सामने आए और आपको एकदम से उससे शॉक लगे. तो ऐसी एनर्जीज में व्यूअर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी को बहुत संभाल के डील करना है. लेकिन बेसिकली ये आपके सामने लाया जा रहा है, जैसे किसी का चेहरा आपके सामने लाया जा रहा है, किसी की इंटेंशन आपके सामने लाया जा रही है, आप उसको जैसा समझ रहे हो, जैसा फील कर रहे हो, जैसा उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा क्या ये व्यक्ति आपके ट्रस्ट के लायक है या नहीं है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आई ओपनिंग की एनर्जी है, और आपके लिए जो अच्छा नहीं है, बेसिकली टावर तभी आता है जब वो होती हैं चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं होती है, और एंजल चाहते हैं आप उससे बाहर निकलें, आप चीज़ों को रियलिटी को फेस करें. आपके सामने कोई इल्यूज़न, कोई व्यक्ति बुन रहा है, झूठा इल्यूज़न बुन रहा है, तो आप उसको समझें. ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर ये बताती है. तो आपके लिए व्यूअर्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो हो सकता है आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ भी आपको ट्रिगर करे और आपकी आपकी पर्सनल लाइफ भी आपको ट्रिगर करे. तो इसको टाइम को बहुत सही से आपको मैनेज करना होगा. ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है. कैंसर राशि, आप लोग काफ़ी इमोशनल हो, ब्लाइंडली हो सकता है लोगों पर ट्रस्ट करते हो, काफ़ी इमोशनल हो जाते हो हर चीज़ को लेके, तो ऐसा आपको नहीं करना है. ठीक है, इसी से आप बच सकते हैं, क्योंकि इमोशंस ही किसी के ऊपर मतलब विश्वास करना सिखाते हैं और दिखाते हैं. आपके लिए एडवाइस देखते हैं यहाँ पे क्या आ रही है. सो प्रोटेक्ट योर ड्रीम, कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करना, यानी खुद को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगेन आपके लिए हिडन डेप्थ की एनर्जी बॉटम द डेक से आई है. तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, कुछ सामने ज़रूर आएगा, लेकिन डिवाइन पे भरोसा रखें. ठीक है, आपकी लाइफ में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आपको
प्रोटेक्ट किया जा सके बेसिकली, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से हो रहा है व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। आपको जैसे कि सेफ रखा जा रहा है, आपके आप जैसे कह सकते ना इमोशनल, लोगों को डिवाइन से ज़्यादा एक सपोर्ट मिलती रहती है, तो आप वैसे ही इंसान हो जहाँ पर आपको डिवाइन से सपोर्ट मिल रही है। एक सेकेंड, यस, चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। यस की एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, तो यस ये कहीं ना कहीं एनर्जी है कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली सपोर्टेड हो, आपको डिवाइन फुल सपोर्ट कर रही है और आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव भी हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी। परमानेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए इसी एनर्जी में स्टक हो जाओगे, आपकी लाइफ में यही चलता रहेगा, नहीं, आपको इससे निकाला जा रहा है, ठीक है, आपको इससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी इसी एनर्जी में हो तो आप इस एनर्जी से बाहर भी निकलोगे। तो ये व्यूवर्स आपके लिए कर्क राशि रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको इससे क्लैरिटी हेल्प मिली हो तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनली व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ 6-6 पोर्टल के थ्रू क्या चेंज लेके आ रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें सिंह राशि वालों के लिए, इनकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकी पर्सनल लाइफ के लिए प्लीज़ हमें बताएं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। पर्सनल लाइफ की व्यूअर्स अगर बात करूँ तो यहाँ पे टावर दिखा रहा है कि किसी के साथ में आपके रिश्ते हो सकता है ख़राब हो, या कोई लॉस आपको देखने को मिले। अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो किसी में भी एक साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना। बेसिकली यहाँ पर यह है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, या फिर हो सके तो अवॉइड करना किसी चीज़ में पैसा लगाना, ठीक है। मे बी हो सकता है शेयर मार्केट में आप लोग पैसा लगा रहे हो, क्रैश हो जाएगा एकदम से। तो ये ब्लाइंडली गैम्बलिंग वाली एनर्जी को डिनाई करता है कि इस तरह के काम मत करना जो कि आपको लगे कि एक रात में 2 का 4 हो जाएगा, ऐसे कामों मत जाना। स्लो एंड स्टेडी रहना, जितना ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी रहोगे सही रहेगी, चीज़ें बेहतर रहेंगी, ठीक है। तो करियर में व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना बेसिकली, ठीक है। कुछ भी क्रैश हो सकता है, मार्केट क्रैश हो सकती है, प्राइस एकदम से ड्रॉप हो सकते हैं, कुछ भी एकदम से बड़ा मत खरीदना, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ लॉस हो सकता है, उसको थोड़ा हैंडल करना, सोच समझ के चीज़ें को करना, और बेसिकली कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से इस 6-6 पोर्टल में बचना, नेक्स्ट पोर्टल जब स्टार्ट हो तब कुछ करना। तो बेसिकली आपके लिए ये बोला जा रहा है, टावर आ सकता है और आपको ये हिला देगा बुरी तरह से, तो इससे बच सकते हो आप इस तरह से। आपकी अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ से अलग हो, अगर पर्सनल लाइफ में बात करूँ तो आपके किसी के साथ में व्यूअर्स यहाँ पर नज़र आ रहा कि बातचीत की तरह ही डील करना, ठीक है, उसको अग्रेसिव मत बनाना, ठीक है। आपकी एनर्जी अग्रेसिव बन रही है तो हो सकता है कि आप ही किसी को लेके अग्रेसिव हो जाओ और आप बात बिगाड़ दो, तो ये थोड़ा समझना होगा, संभलना होगा, क्योंकि आपके आसपास थोड़ी सी नेगेटिविटी एनर्जी फील हो रही है। तो नेगेटिविटी आपके आसपास हो तो उसका नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्पेल करो, या नज़र वज़र को कुछ हटाओ, उसे दूर करो, नेगेटिव प्रोटेक्शन अपने लिए इस्तेमाल करो। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यस, बात बन रही है रिलेशनशिप में, अगर मैं बात करूँ या फिर आपके किसी के साथ में, तो बात को बनाओ, समझने की कोशिश करो सामने वाला क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, किसी बात को लेके कहा सुनी भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है आप लोगों के लिए। तो देर इज़ अ वार्निंग एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ट्रिगर करेगी, क्योंकि आप पता, मैं वार्निंग क्यों कह रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि जब प्रोफेशनल लाइफ आपको ट्रिगर कर रही है ना, तो उसका गुस्सा आप कहीं और निकाल रहे हो, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज को आपको बहुत अच्छे से डील करना होगा। आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर और एडवाइस में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। जर्नी, तो एक न्यू जर्नी बिगिन हो रही है आपकी लाइफ में यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। आपकी लाइफ में यस, ये टावर एक न्यू जर्नी लेके आ रहा है। ये टावर पता कर क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर एक और चीज़ बोली जा रही है, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपके लिए आपकी डेस्टिनी में नहीं है,
दैट विल बी डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बेसिकली ये टावर है ना, एक अच्छे सेंस में आ रहा है। अगर आप इसको नेगेटिव मान रहे हो तो नेगेटिव बिल्कुल मत मानो। कभी कभी पता क्या होता है, हम कुछ छोटे मोटे कामों में लगे होते हैं या फिर अपनी अपने रियल पाथ से जो डिवाइन ने हमारे लिए चुना होता है हम उसमें वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम इधर उधर भटक रहे होते हैं, कभी ये कर ले कभी वो कर ले। तो जब तक उसमें कोई शेकअप नहीं आएगा ना, आप सही चीज़ों की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। उनसे डील करने का तरीका आपको नहीं आएगा या फिर आप अपनी सही डेस्टिनी के पाथ पर नहीं बढ़ोगे। तो टावर आएगा और आपकी लाइफ में ये जो जर्नी है नई ये शुरू हो जाएगी, यानी आप अपनी लाइफ के रियल पाथ से कनेक्ट हो जाओगे और आपको किसी चीज़ से ओवरकम करने को मिलेगा, ठीक है। तो यस एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत ही गुड सेंस में आप लोगों के लिए नज़र आ रही है मुझे। तो टावर आना है, आना है, वो तो आना ही है, लेकिन घबराओ मत, ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेलकम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उसका इसको बहुत अच्छी तरीके से डील करो और सही तरीके से इसको यूज़ करो, ठीक है। और आपके लिए क्या है, अनलाइकली तो कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे, आपको पसंद भी नहीं आएंगे, बट ये आपके लिए एंजल कह रहे हैं ट्रस्ट रखो इसके ऊपर, आपके लिए गुड के लिए, आपकी हेल्थ आपके लिए, मतलब ओवरऑल वेलबींग के लिए हैं ये सारे चेंजेस। सो इनको वेलकम करो, ना कि इनसे भागो, इनसे भागो मत, भागोगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। वेलकम, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर कोई वेलकम नहीं करना चाहता, बट आ रहे हैं इट्स ओके, इनसे डील करो, इनसे डील करोगे जितने अच्छे तरीके से उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग 66 पोर्टल के थ्रू। रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो, वेलकम बैक कन्या राशि। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये 66 पोर्टल क्या लेके आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं कन्या राशि के। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें पर्सनल लाइफ और उनके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तो देर इज़ ए वेरी रैपिड एनर्जी जो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाती है, जैसे आप जंप कर रहे हो चीज़ों को लेके, एकदम से चीज़ें एक्साइटमेंट में आ रहे हो, चीज़ें बदल रही हैं, आप खुद की लाइफ को बदल रहे हो, कामों को बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। डेडिकेशन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरे करेज के साथ में आप चीज़ों को डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, उनसे ओवरकम कर रहे हो और अपनी जीत को कहीं ना कहीं यहाँ पर आप पूरा वैलिडेट कर रहे हो। तो इस तरह की नज़र व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। करियर में ग्रोथ रहेगी, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज आप लोगों के करियर के लिए है। पर्सनल लाइफ के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मे भी हो सकता है आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आएगा या फिर आप कहीं जाओगे, आपका कहीं जाने का मन है, मे भी कोई ट्रैवलिंग करने का मन है। तो ट्रैवलिंग में भी दोनों केसेज में यहाँ पे पॉसिबल है, करियर में भी पॉसिबल है। आप करियर रिलेटेड कहीं ट्रैवल कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कहीं जा सकते हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी ऐसा नज़र आ रहा है आप कुछ बदलना चाहते हो, कुछ कहीं जाना चाहते हो या किसी के आने का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। यस, आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हो, अपने कनेक्शन को इवैल्यूएट कर रहे हो, सोच रहे हो कि कनेक्शन किस दिशा में जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, मतलब एक तरह की पूरी स्ट्रैटेजी बन रही है आपके दिमाग में, प्लानिंग चल रही है। तो आप लोग मुझे यहाँ पे वक्त देते हुए नज़र आ रहे हो, खुद को वक्त देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने कनेक्शन को, चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हो, इवैल्यूएट करते हुए नज़र आ रहे हो, उसके बेसिस पर यहाँ पर प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है, जो मेन पर्पज़ है, वो ये कि आपको आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है, आपको स्टक होकर नहीं रहना है, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया है इस पोर्टल में आके कि आपको अब अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, लेकिन वो चेंजेस आपके पॉजिटिव हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, आप मे भी कहीं जाना चाहते हो, ऐसी नजर गाइज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आपका मन करेगा मे भी अपने परिवार के साथ में कहीं जाने का, तो ये भी है, जैसे आप कह रहे हो यार घर में रहते रहते बोर हो गए, चलो कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग की नजर गाइज यहाँ पर बहुत पॉसिबल यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। किसी से हो सकता है आपका गुस्सा भी हो, आप किसी से हो सकता है आप गुस्सा हो जाओ या फिर आपके अंदर किसी बात को लेके गुस्सा हो, पर्सनल लाइफ में बेसिकली ऐसा कुछ पॉसिबल है, तो उसको थोड़ा हैंडल करना, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो आपके लिए यहाँ पे देखते हैं एडवाइस में क्या आ रहा है। बिलीव इन मैजिक, तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है भाई मैजिक में बिलीव करो और
कभी भी कुछ भी हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती है। अगर अभी अच्छी नहीं चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले समय में भी अच्छी नहीं होंगी। वक्त नहीं, मिनट लगते हैं चीज़ों को बदलने में, ठीक है। तो आपकी नज़र में व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ही नज़र आ रहा है। आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं और बदलाव यहाँ पे बहुत अच्छे से आते हुए आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है पूरा हो जाएगा व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। और आपको मे बी आप कहो कि यार ये हो गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कुछ ऐसा हो सकता है, तो ऐसी नज़र गाइज यहाँ पर है। तो आप किसी को या तो वेलकम कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको ही शॉक कर देगा, लेकिन वो अच्छी तरीके से हो रहा है। यू आर रेडी की एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है। क्या आप इस मैजिक के लिए तैयार हो, क्या आप इस नई जर्नी के लिए तैयार हो, आपके लिए ये बोला जा रहा है। जैसे कह रहे हैं कि प्रिपेयर कर लो खुद को, बहुत सारे रैपिड चेंजेस आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं, और ये एक मैजिकल वे में होता है। कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार हम पॉजिटिव वे में कहते हैं ना कि नेगेटिव वे में, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार ही होने वाला व्यूअर जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रहेगा जिससे आपकी लाइफ में मे बी आप बिलीव करो या ना करो, इवन दो आपको बिलीव ही नहीं है, आप लोग सुन तो रहे हो और आप कह रहे हो यार मुझे बिलीव नहीं है मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, मेरी लाइफ में तो सब नेगेटिव होता है, ऐसा आपके मन में थॉट हो तो उसको रिलीज़ कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, एंजल्स जैसे है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एंजल आपके साथ में कनेक्ट हो गए, आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में फुलफिल हो जाए, तो अटके हुए काम बन जाएंगे, एकदम से चीज़ें एक रैपिड ग्रोथ में आ जाएंगी, काम बनने लगेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी, वो एनर्जीज गाइज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग, अगर रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक तुला राशि। चलिए देखते हैं आपके लिए 6-6 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, दोनों को यहाँ पे देखेंगे। आप अपने एंजल से प्रेयर करिए फॉर अ मीन वाइल, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा। वाह, डेविल एनर्जी आई है और यहाँ पर आया फोर ऑफ सोर्ड। तो व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है पर्सनल लाइफ में आप किसी के साथ में बहुत स्ट्रांगली अटैच हो सकते हैं, किसी को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं, किसी के साथ में आपके बहुत ही गहरे संबंध बन सकते हैं, इंटीमेट संबंध भी बन सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं ना किसी को लेके पागलपन हो, ऑब्सेशन हो जाए, इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी को लेके आप इनसिक्योर भी हो सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, तो आप देखना क्योंकि ये चीज़ें आपसे कनेक्ट होंगी, ठीक है। ये पोर्टल आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, तो आप किसी को अपने पास से कह सकते हैं ना कि मतलब किसी को खो देने का डर है, तो ये इससे ओवरकम करना, ये पजेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है कि आपको लग रहा है कि यार वो मुझसे दूर चला जाएगा, वो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ, मेरे को वो बहुत ज़रूरी है, मुझे डर लग रहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा मत सोचो दिल में, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ओवर कर रहे हो, बहुत ओवर कर रहे हो, और कहते हैं ना प्यार में अगर चीज़ें ओवर हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो चीज़ों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मत बनाना, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कोई आपकी लाइफ में आएगा, किसी के साथ में आपके इंटीमेट कनेक्शन भी हैं, कोई आपको बहुत प्यार भी कर रहा है, किसी के साथ में आप बहुत क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, मतलब एक दूसरे को इतना टाइम दे रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ऐसा नज़र आ रहा प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, तो कुछ फॉर अ टाइम बिंग कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, मे बी कुछ प्रॉब्लम जॉब को लेके आ सकती है, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो कुछ बात हो सकती है या तो मतलब आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर रही हैं, अब यहाँ पे जॉब को लेके कुछ इश्यूज हो सकता है क्रिएट हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है यहाँ पे क्रिएट हो जाएं, तो आपको चिंता बहुत हो रही है बेसिकली अपने करियर की कि यार ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ से जॉब चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपना मतलब मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है या फिर मैंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले ली है, कैसे EMI भरूंगा या कैसे EMI भरूंगी, इतने ऐसा टाइम चल रहा है, तो आप चिंता में हो बेसिकली, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हैंडल करो, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ऐसे समय में आपको करना क्या है, एंजल से प्रेयर करो भाई, ठीक है, एंजल से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आपके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी वाली भावना दोनों तरफ आ रही है, आप एक इनसिक्योरिटी को दूसरी इनसिक्योरिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनसे ओवरकम करना बेसिकली, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, जो ये एनर्जीज यहाँ पे ये बता रही है। तो हो सकता है कुछ फॉर अ टाइमिंग चेंजेस आ सकते हैं जो आपको परेशान करें बेसिकली इन प्रोफेशनल लाइफ। सो और एडवाइस में देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए तुला राशि।
कम टुगेदर। ठीक है, तो आप लोग व्यूवर्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टीम वर्क कर लो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, या फिर अगर अकेले चीज़ें नहीं हैंडल हो पा रही है तो किसी से अपनी बातें शेयर कर लो, शेयर करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, अगर अकेले चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही तो अपने मन की बातों को किसी से शेयर करो, कोई आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है। ठीक है, वेट फॉर विंटर, तो विंटर तक का इस्तेमाल, विंटर तक का वेट करो ऐसा नज़र आ रहा है, और अपनी विश को अच्छे से इस्तेमाल करो। विश मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा एक टूल रहेगी, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से आपको रिलीफ करवाएगी। तो अगर कोई, अगर आप इस समय राइट नाउ के टाइम पे 66 पोर्टल के थ्रू कोई विश मांगते हो, तो ये चांसेस है कि वो विंटर आते आते पूरी हो जाए आपकी लाइफ में, और आपको इससे फिर रिलीफ मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या आप लोगों के लिए आ रहा है। ट्रस्ट, किसी की व्यूअर्स यहाँ पे शादी भी पॉसिबल है। यहाँ पर ऐसा मैसेज आया है कि हो सकता है आप किसी के साथ में आपकी शादी, शादी में शादी कनेक्ट हो सकती है, फिक्स हो सकती है, या फिर शादी को लेके कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, जिसे आप किसी से जुड़ रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो ये एक मैसेज लास्ट में आया तो मैंने बता दिया। और एंजल पे आप ट्रस्ट रखें, एंजल सपोर्टिंग में है आपके, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके फोर फादर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज गाइज यहाँ पर आ रही है। दे विल गाइड यू, अगर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो अपने फोर फादर्स को, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, वो आपको ड्रीम्स में आके मे बी हो सकता है, या किसी सिग्नल के थ्रू आपको आके संदेश दे, और आपको उनको मतलब फॉलो अप भी करना चाहिए। ऐसी नजिस गाइज यहाँ पे है, एंड रिमेन पॉजिटिव, जो भी होगा अच्छा ही होगा, सो डोंट वरी, ये फॉर अ टाइम बीइंग एनर्जी है, चेंज हो जाएगी, क्योंकि विंटर से आपकी लाइफ का एक नया सर्कल स्टार्ट होगा, एंड दैट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव, और बहुत हैप्पीनेस से भरा हुआ यहाँ पे सर्कल नज़र आता है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग, अगर रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक वृश्चिक राशि। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए 66 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें वृश्चिक राशि के लिए, इनकी पर्सनल लाइफ, इनके प्रोफेशनल लाइफ को लेके प्लीज़ हमें बताएं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है। वृश्चिक राशि, आप बहुत कंफ्यूजन में हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो ये आपकी लाइफ में 66 पोर्टल क्या बता रहा है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश करो, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको नज़र आ रही हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होकर देख रहे हो, एक दूसरा एस्पेक्ट आप देखने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है, तो नेगेटिविटी से आप अपने आप को रिलीज़ करो, बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है। पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो प्रॉब्लम तो है लेकिन उनसे आपको डील करने का तरीका आपको मालूम है, लेकिन आप उनको, उनको भी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दे रहे हो। बेसिकली प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपने उसको बना दिया है, उसको सोच सोच के आपने इतना बड़ा बना दिया है कि आप उसको इतना मतलब आपके ऊपर फोबिया सा हो गया है। ठीक है, जैसे कि कोरोना में आया था ना, कोरोना बहुत सारे लोगों को नहीं था, कितने लोग थे जो सेफ थे, लेकिन हाई कोरोना, और वो इतना बड़ा फोबिया बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया। ठीक है, मतलब छोटी सी कोई कि सर्दी जुकाम भी हुई तो अरे कोरोना हो गया, तो आपकी लाइफ में भी यही है, छोटा सा सर्दी जुकाम सा है लेकिन आपने उसको बहुत बड़ा बना लिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जस्ट सीधा रियलिटी। ऐसी नजिस गाइज आप यहाँ पर मिल रही है, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके पर्सनल लाइफ में आपको चीज़ों को एक नए आस्पेक्ट से देखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, पर्सनल लाइफ में भी आप लोग मुझे काफ़ी रातों में लेट नाइट तक जागते हुए, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए, वो मेरे बारे में क्या कह रही है, या फिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किसी और से कनेक्टेड है क्या, या फिर क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मतलब ये सब कुछ है, कहीं मेरा रिश्ता एंड ना हो जाए, ये सारे थॉट्स आप लोगों के मन में हैं, तो उनको रिलीज़ करें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए एडवाइस देखते हैं यहाँ पर क्या आ रही है। फ्रेंडशिप आपके लिए आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यस, आस्क फॉर हेल्प की एनर्जी है,
आपको यही है, सब कुछ अकेले मत करने की कोशिश करो, सब कुछ अकेले नहीं हो पाता है। अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है, किसी और से कनेक्ट हो, किसी और से बात करो, मे बी वो फैमिली हो सकती है, फैमिली में कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपकी मदद करे, तो ये आपके लिए हेल्प अवेलेबल है बेसिकली, ठीक है, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, तो उसको गेन करो, उसको यूटिलाइज़ करो। ऐसा नहीं है सब कुछ खुद ही हैंडल करना है, ऐसा मत करो। अपने घर वालों से बात करो, अगर आपको बात नहीं कर पा रहे हो तो घर वालों से बात करो, टेक एक्शन, एक्शन लो बेसिकली ना, एक्शन लो। आपको अगर ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है तो एक्शन लो, उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि उसको आप टालते रहो कि अभी नहीं हो पा रहा, अभी नहीं कर पाऊँगी, अभी नहीं कह सकती, या फिर ये सब कुछ है, एक्शन लो बेसिकली, ठीक है। तो यस, अगर आप एक्शन लोगे बेबी, किसी से बात करने की कोशिश करोगे तो ही तो आपको हेल्प मिलेगी। तो यही एनर्जी गाइस आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो टेक एक्शन, ठीक है, उससे भागो मत, उसको फेस करो बेसिकली, यहाँ पर ये है। तो ये है व्यूवर्स वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए व्यूवर्स आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम बैक धनु राशि। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जो पोर्टल है 6-6 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें धनु राशि के लिए, 6-6 पोर्टल इनके लिए क्या लेके आ रहा है, इनके पर्सनल लाइफ, इनके प्रोफेशनल लाइफ को लेके 6-6 पोर्टल। वाओ धनु राशि, कंग्रेचुलेशन, आप ना मुझे ऐसे नज़र आ रहे हो जैसे यार अब मुझे फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की, मस्त मौला हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, अच्छे अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, फिक्र नहीं है कि यार मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि बाहर घूमने जा रहे हो बेसिकली, ऐसा नज़र आ रहा है। यस आप लोग ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पर आपको अब जैसे कहते हैं ना शून्य में आ जाना, शून्य का मतलब यही होता है कि यार सब कुछ होना तो एटलीस्ट यही है ना लास्ट में, जैसे कह सकते हैं ना कि यार अब क्या करें फालतू का दिमाग ख़राब करके, तो चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, कह रहे हो यार जो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है भाड़ में जाओ, ऐसी एनर्जीज में आप लोग हो, तो आप बेसिकली लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो, ये कह रहे हो कि यार ज़िंदगी छोटी सी है इसको इन्जॉय करो ना, क्यों किसी के लिए रोना धोना या किसी के बारे में ज़्यादा सोचना, तो फिक्र नहीं कर रहे हो, केयरलेस हो रहे हो, केयरलेस मतलब केयर फ्री हो रहे हो, केयरलेस नहीं बोलूँगी, केयर फ्री हो रहे हो, तो आपको आपको ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं है, आप अपनी लाइफ को इन्जॉय करने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, बहुत ही दिमाग शांत हो रहा है, दिल शांत हो रहा है, अंदर से शांत हो रहे हो, ये चीज़ें गाइज आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही हैं। एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है इन पर्सनल लाइफ में, आपके लिए ये बोलूँगी, तो पर्सनल लाइफ आप फुली इन्जॉय कर रहे हो, पर्सनली आप अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब आपके साथ में कोई है नहीं है, आपको फरबा नहीं है, लेकिन आप लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, और ये होना भी चाहिए बेसिकली, लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है यार कि कोई हो तो ही हम जिएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो जहाँ पर आपको चीज़ें बहुत पॉजिटिव फील हो रही है, पॉजिटिव फील हो रहा है, या फिर ये बोले कोई व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोग लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है, वन साइडेड लव में पढ़ सकते हो, किसी के लव में पढ़ सकते हो, जैसे कहते हैं प्यार में दीवाना हो जाता है इंसान और अपने ख्यालों में घूमता फिरता रहता है, अपने ही दुनिया में रह जाता है, अपनी दुनिया मस्त हो जाता है। तो आपके लिए एक आपकी जो दुनिया है ना वो खूबसूरत हो रही है, जस्ट लाइक अ ड्रीम एनर्जी, आप उसको इन्जॉय कर रहे हो। तो कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी के साथ में आपका प्यार मोहब्बत वाला केस हो सकता है, ठीक है, सीन हो सकता है मतलब, और आप उसको फुली इन्जॉय कर, जैसे कि यार मतलब अकेले बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, गुदगुदा रहे हो, रोमांटिक गाने सुन रहे हो, चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज में भी बस आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो जहाँ पर आपके लिए दुनिया ही उसका जो लुकआउट है वो बिल्कुल बदल गया है, आपके लिए वो दुनिया एक हसीन दुनिया हो गई है, जिस समय पहले आपके लिए वो पता नहीं कैसी थी, लेकिन अभी आपके लिए दुनिया बहुत रोमांटिक सी हो गई है, आपको हर चीज़ पसंद आ रही है, आपको वो कमरा भी पसंद आ रहा है, आपको वो बेड भी पसंद आ रहा है जहाँ पर आप सोते हो, पहले आपको बहुत दिक्कत होती थी लेकिन अब आपको चीज़ें कंफर्टेबल लग रही हैं, तो आप ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, तो बहुत इंजॉय कर रहे हो लाइफ को और ऐसा आपके लिए नज़र आ रहा है। तो 6-6 पोर्टल आपके लिए बेसिकली एक रूहानी सी जैसे कह सकते हैं ना एनर्जी लेके आ रहा है, मीठा मीठा सा एक एहसास लेके आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो यस आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में ही काफ़ी एक सिक्योर एनर्जी होती है, एक केयरफुल एनर्जी होती है। तो अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स यहाँ पे, तो आपके पास में
आपको ये पता है कि मुझे अपना मेरा पैसा है मुझे कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। पैसों को लेके जागरूकता भी नज़र आ रही है, पैसा आप वेलकम भी कर रहे हो, ठीक है, तो अर्निंग भी यहाँ पर हो रही है कुछ, आप अपना वर्क भी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो वर्क भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसों को इधर उधर उड़ाते फिर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो, अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं आपको आप कुछ खरीद भी सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ खरीदो, मे बी अपना कोई लैपटॉप खरीदो या कोई मोबाइल खरीदो, कुछ ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे, कुछ महंगी सी चीज़ आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी नज़राइज़ यहाँ पर आ रही है कि यूज़ योर रिसोर्सेज वाइजली, कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि आपके पास में पैसा है, इसका मतलब ये नहीं अंधाधुंध उड़ाओ, ऐसा भी मत करना, ठीक है। और लोग यहाँ पर देख लेते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। इफ़ यू बिलीव, ओके, आपको किसी चीज़ पे बोला जा रहा है, यानी आपको बिलीव नहीं है लेकिन बिलीव हो रहा, मैजिक हो रहा है, और आपके लिए ये बोला जा रहा है कि रुको मत, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है। तो अगर आपको डाउट है किसी चीज़ को लेके तो आगे बढ़ो, अगर आप कुछ इनिशिएट करने जा रहे हो तो आगे बढ़ो, डाउट मत करो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हर चीज़ पर डाउट करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए और क्या यहाँ पर आ रहा है। मैजिकल गेट भी ओपन हो रहा है, तो आपके लिए ये जो टाइम रहेगा 6-6 पोर्टल बहुत ही खूबसूरत है वीवर्स, बहुत ही बेहतरीन है, मतलब ये कहूँगी कि आप बहुत ब्लेसिंग्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एंजल ब्लेसिंग्स है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू पर्सन है, और प्यार है, मोहब्बत है, और एक तरह से स्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो आपके लिए यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई बेसिकली नज़र आ रही है। तो ये है व्यूअर्स धनु राशि आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर रही है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक मकर राशि, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये क्या हुआ। ठीक है, आप लोगों के लिए ये जो 6-6 पोर्टल है क्या लेके आ रहा है, ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करें, बताएं मकर राशि के लिए 6-6 पोर्टल इनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या लेके आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी है, ठीक है, चीज़ें बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, पैसा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, हालात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशानी हो रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों का या फिर हर्डल्स का सामना कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। आप इन लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो, प्रोफेशनली भी आप इन्जॉय कर रहे हो और पर्सनल लाइफ में, हाँ पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वो बहुत ही रत्ती भर हैं, जैसे कह सकते हैं ना, रत्ती भर मतलब इतनी सी हैं, लेकिन आपको वो थोड़ा सा आप उनके बारे में सोच रहे हो, दैट्स व्हाई आपको वो परेशानी कर रही है। आप उनको अगर आप उन चीज़ों पे फोकस ना करें और अपनी लाइफ की और जो ब्लेसिंग्स आपके पास में, अगर आप उन पे फोकस करो तो डेफिनेटली आपको एहसास होगा कि आपके पास में बहुत कुछ है खुश होने के लिए, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान किसी एक चीज़ पे है अटका हुआ पर्सनल लाइफ के अंदर, दैट्स वाई आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके पास में बहुत कुछ है इंजॉय करने के लिए, बहुत कुछ है जिसको लेके आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो यूनिवर्स को कि थैंक यू डिवाइन, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, इतने अच्छे बहन भाई देने के लिए, इतना अच्छा करियर देने के लिए, सब कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन एक चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, तो उस चीज़ पे अगर आप ध्यान हटाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो इतनी ज़्यादा आपको परेशान करे क्या, वो इतने वर्थ रखाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी क्या बोली जा रही है, जस्ट लेट गो यार, चीज़ों को थोड़ा इग्नोर भी करो, इग्नोरेंस इज़ गुड समवेयर, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। उन चीज़ों को ज़्यादा मतलब भाव मत दो या फिर उन चीज़ों को ज़्यादा प्रिविलेज मत दो, अगर ज़्यादा प्रिविलेज दोगे तो वो आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है इसको इन्जॉय करने नहीं देगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, करियर की बहुत अच्छी एनर्जी व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोग अपने पैसे से मे भी हो सकता है कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अपने लाइफ को पूरी अच्छी तरह से इन्जॉय कर रहे हो, रिलैक्स नज़र आ रहे हो, हॉलीडे पे मे भी हो सकता है गए हुए हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, जैसे कि घर से दूर हो, हॉलीडे पे हो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे हो, ये एनर्जीज गाइज यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं दिखाती है,
साथ ही साथ मतलब करियर करियर इज़ गुड, करियर लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किया था तो उसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कोई अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो रिज़ल्ट अगर एक्सपेक्ट करे हो किसी चीज़ का तो बहुत अच्छा आएगा, कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड, कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, रिज़ल्ट इज़ गुड, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, एंड रिज़ल्ट इज़ गुड। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग लिए गया है, कुछ कंप्लीट भी होने वाला है, कुछ कंप्लीशन आ रहा है, कंप्लीशन मतलब कि चीज़ें रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। और देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है, सक्सेस। वाह, सक्सेस का कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया मकर राशि, किसी और के लिए नहीं आया सक्सेस का कार्ड। तो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है और आपको उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको इंजॉय करने के लिए, उसको फील करने के लिए, उसके साथ में जीने के लिए, उसके उसको जैसे कह सकते हैं ना, सक्सेस इज़ व्हाट, सक्सेस जब तक आप उसको दिल से नहीं फील कर पाओगे तब तक क्या सक्सेस। तो दिल से आप फील कर पा रहे हो, इसीलिए मैंने बोला कि आपकी पूरी लाइफ अच्छी है, सिर्फ एक चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर करो और इस सक्सेस को जियो बेसिकली। ठीक है, जो आपकी लाइफ में है। और क्या है यहाँ पर आप लोगों के लिए, देख लेते हैं, हिडन डेप्थ। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहे हैं, भाई कुछ भी हो सकता है जो आपके अंदर है और आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर ही अंदर लेके चल रहे हो, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उसको आपको कहीं ना कहीं रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है और आप बिलीव नहीं करोगे। आपके लिए अगेन मकर राशि क्या आ रहा है, अबेंडेंस की एनर्जी भी आप ही के लिए आई है। इतनी पूरी मैंने रीडिंग कर ली, सारी राशियों की रीडिंग हो चुकी है, सिर्फ दो राशि रह गई हैं, और ऐसे में आप ही की रीडिंग में सिर्फ अबेंडेंस आया है और सक्सेस आया है। ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पर, ये किसी के लिए नहीं आया, तो आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी। और आपको इसके साथ में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो कोई आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेलकम कर रहे हो यहाँ पे 66 पोर्टल के थ्रू, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रेजोनेट हुई है, क्लैरिटी मिली है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर्सनली आप चाहें तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए 66 पोर्टल क्या लेके आ रहा है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सनल लाइफ और इनके प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या लेके आ रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। कुंभ राशि, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। वाओ, प्रोफेशनल लाइफ इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, नेम फेम रिकॉग्निशन है, और दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, दिमाग के बल पे आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पा रहे हो, यानी आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी, न्यूज़ आइडियाज़ आप लोग वेलकम कर रहे हो, और आपके आइडिया जो भी आप इंप्लीमेंट करोगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे तो जैसे नज़र आ रहा है कि सीज़न आ गया आपकी तरक्की का, आज जिसमें आप तरक्की करोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, या फिर ये टाइम आ चुका है कि आप अपने करियर पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि करियर पे ध्यान दो, भाई करियर ये टाइम है कि जहाँ पर आप अपने करियर पे अगर ध्यान दोगे ना, तो उसमें जैसे कह सकते हैं ना कि सोना उगलेगी आपकी मिट्टी। ठीक है, तो उसमें एफर्ट लगाओ तो सोना निकल के आएगा, ऐसी एनर्जीज गाइज यहाँ पे है। तो इस टाइम को वेस्ट मत होने देना, ये स्टार की एनर्जी ऐसी नहीं आई है, ये आपको स्टार बना देगी, आपको फील कराएगी जस्ट लाइक अ स्टार, कि आपको हर तरह से सपोर्ट मिल रही है और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है और चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बेहतर हो रही है, ग्रो कर रही है बेसिकली। तो इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज़ करोगे, कुछ भी नया एड ऑन करोगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में, तो उसके रिजल्ट आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो कुछ भी नया सीड लगा सकते हो, मे बी कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट लगा सकते हो, कोई करियर लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके रिजल्ट आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये एनर्जी भी गाइज यहाँ पर आ रही है, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में आप कुछ स्टार्ट करोगे तो इन फ्यूचर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो अब आके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये टाइम देख सकते हैं कि एक लकी साइकिल होता है, एक लकी टाइम होता है हर एक की लाइफ में, तो आपकी लाइफ का वो लकी टाइम ये है। ठीक है, इमोशनली व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है आप धीरे धीरे डिसकनेक्ट हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो ये हो रहा है, जैसे कि आप अपना जो ध्यान है पर्सनल लाइफ से हटा के प्रोफेशनल लाइफ में लेके आ रहे हो, और आप जब वहाँ पर एफर्ट लगाओगे तो भाई चीज़ें बेहतर होंगी। तो ऐसी नज़र गाइज यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि यार लोग आपको या तो समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपके साथ नहीं, आपको अकेला फील हो रहा है, डिसकनेक्टेड फील हो रहा है, और अपनी लाइफ में आप कुछ तलाश में निकल रहे हो, पता नहीं आपको क्या तलाश है, पर ऐसा नज़र आ रहा है आपको तलाश है किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपको समझ सके, जिससे आप बात कर सको, जो आपको हील कर सके, ऐसी नज़र का
एनर्जाइज आप लोग की मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाती हैं, लेकिन अब वो आपके अंदर है, वो बाहर सरफेस पे नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो दूसरों को नज़र नहीं आ रही, वो सिर्फ आपको नज़र आ रही है। दूसरों की नज़रों में आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको वो अनस्टेबिलिटी सी फील हो रही है। तो ये सब कुछ है। और देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है। पीसफुल रिजोल्यूशन की एनर्जी आई है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये जो टाइम रहेगा ये आपके लिए पीसफुल रिजोल्यूशन लेके आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली क्या है कि राइट नाउ जैसे सिचुएशन नज़र आ रही है उसको वैसा मत देखो, ये अभी आपको फील हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना दूसरों को नहीं नज़र आ रही, सिर्फ आपको फील हो रही है। तो ये आपको फील हो रहा है, इसका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा आपके प्रॉब्लम का। जस्ट रिकन्सिडर, ठीक है, रिकन्सिडर करो चीज़ों को, क्योंकि आने वाला जो समय है बिग हैप्पी चेंजेस लेके आपके लिए आ रहा है। तो आपकी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि भाई लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा मतलब उतनी इम्पॉर्टेंस दो किसी चीज़ को जितनी वो डिज़र्व करता है, ये करती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं कि टेंशन को भी उतनी इम्पॉर्टेंस दो जितनी टेंशन डिज़र्व करती है। टेंशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दोगे ना तो वो सर पे चढ़ जाएगी, तो टेंशन को इतना सर पे नहीं चढ़ने देना है, ठीक है। तो और देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है यहाँ पर। लाइफ एनर्जी, यहाँ पे लाइफ की एनर्जी आ रही है, यानी न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। मैजिकल गेटवे आपके लिए आया है, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू जर्नी है। सन की एनर्जी मिल रही है, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और शाइन को एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, यानी आप एक शाइन करोगे, आपकी लाइफ यहाँ पे शाइन करेगी बेसिकली। तो यहाँ पे चीज़ों को ग्रो करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को एक्सपैंड करो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो टाइम इज़ गुड, यहाँ पर आपके लिए टाइम इज़ गुड, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो। कहते हैं टाइम इज़ मनी, तो अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करो एंड यू विल सी मिराकल रिजल्ट, ठीक है। मिराकुलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग कुंभ राशि। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनली व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पर चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी, बाय बाय, टेक केयर। हेलो मीन राशि, तो जिनकी भी व्यूअर्स मीन राशि, चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं 66 पोर्टल के थ्रू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें इनकी पर्सनल लाइफ, इनके प्रोफेशनल लाइफ में मीन राशि। ओके, तो व्यूअर्स बात करूँ यहाँ पर आपके लिए पर्सनल लाइफ में, आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि यार इससे मुझे प्यार है और ये मेरे पास ही रहे, या फिर किसी को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव एनर्जी में आ रहे हो, कुछ और सोच नहीं पा रहे हो, सिर्फ एक ही चीज़ पे आपका ध्यान स्टक हो गया, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो आपको चाहिए कि आपने रिलेशनशिप में बेसिकली स्टेबिलिटी चाहिए, आप स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ये सिक्सेस पोर्टल आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इस तरफ ध्यान देने के लिए, या फिर आप इसका ध्यान ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा कि आपको अब अपना रिलेशनशिप सिक्योर चाहिए, स्टेबल चाहिए, ठीक है। आपको मतलब कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपको ये ना लगे कि यार मेरे को, मेरे अंदर डर है, तो आप अपने डर से यहाँ पर मुझे फाइट करते थोड़ा सा नज़र आ रहे हो। आपके दिमाग पर एक ही व्यक्ति छा गया और आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हो, ऐसा यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा आपने क्लोज़ कर लिया है, ठीक है। क्लोज़ कर लेना ये एक साइन ऐसा दिखाता है कि इंसान कितना ज़्यादा पजेसिव है किसी को लेके। तो आप एक पजेसिवनेस की एनर्जी में यहाँ पे विर जाते हुए नज़र आ रहे हो। और ये देखो, ये आपको समझना होगा कि ये गुड है या बैड है, ये आपको देखना होगा, क्योंकि समटाइम्स हम देखो ये चीज़ें इंसान के इमोशंस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। कि हाँ भाई जिससे प्यार करेंगे उसको लेके इनसिक्योरिटी तो आएगी कि वो हमारे पास है तो हमारा ही रहे, या फिर किसी को लेके आप ये भी हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, किसी की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यार उसको कुछ होना चाहिए, मुझे उसके लिए ये करना है, मुझे उसके लिए वो करना है, मुझे अपने परिवार के लिए इतना कुछ करना है, ठीक है। ये सब कुछ रहेंगे आपके मन के अंदर थॉट। तो जैसे आप किसी अपने में भी हो सकता है अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ ना चाहते हो, बहुत कुछ जैसे उनको सिक्योरिटी देना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है। तो यही तो मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप पॉजिटिव वे में देखते हो, नेगेटिव वे में देखते हो, ये आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि हर एक की लाइफ डिफर है। लेकिन आप किसी चीज़ को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, या तो अपने खुद के रिलेशनशिप को या दूसरों को, ठीक है, ताकि आप दूसरों को बहुत कुछ
इकट्ठा करके दे सको, जैसे कि आप आपका मोटिव ये है, ऐसी नज़र में आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये रहेगा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ व्यूअर्स आपकी ये है। और अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है भाई यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, आप किसी को कुछ देना चाहते हो, पैसा वैसा वो भी हो सकता है, घर वालों को देना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि यार मेरे पास इतना नहीं है, काश मेरे पास होता तो मैं इतना देती या देता। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ आ जाएँ। ठीक है, ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहे हो, ये ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे, ये ऑलरेडी या तो चल रहे हैं या फिर आने वाले आ जाएंगे, लेकिन वो एकदम से ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ में वो रहेंगे। ठीक है, वो एंड अप को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ों को आपको अच्छे से डील करना होगा व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर ही एकदम से ना ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, कि वो चीज़ें आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जैसे ट्रेजेडी के रूप में आपको फ़ील हो रही हैं, कि आपको हर जगह से आपकी उम्मीद टूट रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ढूंढने की कोशिश तो करो, कहते ना एक उम्मीद अगर ख़त्म होती तो उसके एवज में दो उम्मीदें खुल जाती हैं, तो दो दरवाज़े खुलते हैं आपके लिए भी। वैसी एनर्जी गाइस यहाँ पर है कि आपका आपका जो अंधकार वाला टाइम है, देखो धीरे धीरे छट रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर ये दिखा रही है कि अंधकार वाला टाइम आपका छट रहा है, तो आपको उस पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यस, आपको यूनिवर्स पे फेथ है, लेकिन आपका वो भी फेथ यहाँ पे डगमगा रहा है, लेकिन आपको उससे ओवरकम करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं जैसे कि तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, उसको तुम पास आउट कर लो और तुम्हारा काम बन जाएगा, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पर आप लोग के लिए मुझे फील हो रही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। अगर एक अपॉर्चुनिटी जा भी रही है, तो दूसरी दो अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं। सो मेडिटेशन करो भाई, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, मेडिटेशन करो, एंजल से कनेक्ट हो, रिकवरी इज़ ऑन द वे, रिकवरी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप उनको पुकारोगे ना, तो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई ज़्यादा चीज़ों को इतने ज़्यादा मत फैलाओ कि अपने अंदर ही नेगेटिविटी भर लो, आपको नेगेटिविटी नहीं भरनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। टेम्पटेशन, आपकी मैंने बोला ना पजेसिव हो रहे हो किसी को लेके, तो पजेसिवनेस को कम करो व्यूवर्स, ये पजेसिवनेस अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए। इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना या फिर चीज़ों को लेके ओवर सोचना या फिर किसी को लेके इतना इनसिक्योर हो जाना, दैट नॉट राइट। ये एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए सही है, जैसे आप किसी पर अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि ज़बरदस्ती अपने पास में रखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी को लेके ज़बरदस्ती ऑब्सेशन में जा रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, यही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि न्यू लाइफ एनर्जीज अवेलेबल आपके लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में सन इज अवेलेबल। ठीक है, रात के बाद का जो एक सवेरा है वो आपकी लाइफ में है, और आपको वही देखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। क्यों लाइफ के बाद में देख रहे हो क्या है, सेलिब्रेशन है, यानी आप ज्यादा आपके लिए जो आपका है ना वो आप ही का रहेगा, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे, आपकी लाइफ की खुशियां आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो आपके हक का है, जो आपके नसीब का है, वो आप ही का रहेगा और आपको मिलके ही रहेगा। और डिवाइन एंजल से इस समय में अगर ये मुश्किल समय चल भी रहा है, तो इसमें कनेक्ट कराओ और यही आपको इससे बाहर निकालेंगे, इस मुश्किल समय से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आज आप लोग के लिए आई है, आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही है। अगर रही है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनली चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर।